भरूच जिल्लामां वधु एक हिंदू युवा वाहिनी गुजरातना संगठनोनी बैठक भरूचनी रंगीन होटल खाते मळी हती। सामाजिक अने सांस्कृतिक संस्था हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश प्रभारी अजीतसिंहनी उपस्थितिमां नवा संगठन अंगेनी बैठक भरूचनी रंगीन होटल खाते मळी हती, जेमां हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश प्रभारी अजीतसिंहजी, प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रभाई चौधरी, संयोजक आदित्य चौहान, प्रदेश महामंत्री जयप्रकाशजी महाराज, मीडिया प्रभारी बालकृष्ण पांडे सहितनाओनी उपस्थितिमां हिंदू युवा वाहिनी संगठनमां भरूच जिल्लानी बॉडीनी विविध पदे निमणूक करवामां आवी हती। हिंदू समाज ऊपर थता अत्याचारना मुद्दे आगामी दिवसोमां आंदोलन अंगेनी माहिती पूरी पाडवामां आवी हती। कैसे लोगों का कष्ट दूर किया जाए, जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, उनका कैसे भला किया जाए। समाज में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें पैदा हो रही हैं, जो समाज को बांटना चाहती हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उनको हम कैसे रोकें। इसी संबंध में हम लोग काम करेंगे। इसी संबंध में हमारा जो टीम की संरचना हुई है और हमारे प्रदेश स्तर की टीम की संरचना हुई है, उसी प्रकार से हमारे जिला स्तर में हम कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। महाराज योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को हम घर घर तक पहुँचाएंगे। एक अखंड राष्ट्र और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सके, उसके लिए जो भी सामाजिक योगदान होगा, जो भी आर्थिक योगदान होगा, जो भी जिस भी प्रकार का योगदान हम लोगों से बनेगा, वो हमारे कार्यकर्ता और हिंदू आवानी उसको करेंगे। मेरा नाम आदित्य सिंह चौहान है। मैं हिंदू आवानी गुजरात प्रदेश में संयोजक के पोस्ट पे हूँ, अभी पदाधिकारी के पे हूँ। आज जो ये मीटिंग रखी गई है, उसमें हिंदू आवानी का बहुत बाहर लोग गलत तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको ये संदेश देना था कि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सांस्कृतिक संगठन है। और ऐसी कोई भी कार्य, कोई भी हिंदू आवाहिनी का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है जिससे स्वामी जी का, हिंदू आवाहिनी का नाम खराब हो। तो मैं आप लोगों के थ्रू ये संदेश देना चाहूँगा कि हिंदू आवाहिनी का कोई भी कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी बाहर कोई पोस्टर बैनर अभी तक नहीं लगा गया है, और आज ही इसकी गठन हुई है। और जो सिर्फ सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, हमारा कोई राजनीतिक ना तो राजनीतिक सरोकार है, ना उससे हमारा कोई लेना देना है। हम लोग सांस्कृतिक और हिंदू का प्रचार, संस्कृति का प्रचार प्रसार, हिंदू धर्म की रक्षा, यही काम हमारा मेन उद्देश्य है। और वो योगी जी के संरक्षण हम लोग वही करेंगे आगे।